जी खबर है गुजरात से, जहां गुजरात 30 देहातों को मिलाने वाली वाहिद सड़क टूट फूट का शिकार। करीब 15 साल से 1.5 लाख की आबादी के लिए एक सड़क भी न बन सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात में हमारे नुमाइंदे फारूक असलम से। जी फारूक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के गांव चकरिया में, जहाँ पर सड़क टूट फूट का शिकार है। ये सड़क सरगोदा रोड गुजरात और एडहानकी को मिलाती है। हमारे साथ अहले इलाका के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मास्टर जफर इकबाल चकरिया का रहची हूँ और चौधरी परवेज लाई और चौधरी मोनस लाई के हल्के से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी गाँव की सड़क खस्ता हाली का शिकार है, जो कि चौधरी परवेज लाई जब वज़ीर आला पंजाब थे उनके दौर में 2007 में बनी थी, उससे लेकर आज तक 13 साल हो गए हैं, इस पर एक रुपया का काम नहीं हुआ। हमने 10 लाख रुपया लाकर तकरीबन इसे मरम्मत किया, जो आप फिर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मेरी जनाब से अपील है कि सड़क को दोबारा तामीर किया जाए, और मैं ये भी जानता हूँ कि चौधरी साहब इस सड़क को बनाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश भी है कि ये बन जाए, लेकिन PTI की पंजाब में हुकूमत है, उन्होंने अभी तक फंड जारी नहीं किए, ना ही वो कर रहे हैं। मेरी जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश है कि इस सड़क के लिए फंड खसूसी तौर पर जारी करवाए जाएँ, ताकि ये लोग अवामी सहूलत से फैज़याब हासिल हो सकें। इस सड़क पर तकरीबन 35-40 देहात जो कि आमदोरफ्त का ज़रिया है, उनकी मेहरबानी करके उनको ये आमदोरफ्त का ज़रिया जो है वो बहाल कराया जाए। नासगर चकरियां का जमींदार मैं अर्ज आए भी साड़ी है सड़क मुगवार तो लैके चक गिलां एक क्रॉस लिंक बनती है समा रोड न जी। असा रकबा भी अपना छड़िया, मिट्टी भी उत्ते पाई अपने तौर अपनी मदद आप दे तहत, पुल भी बदा अपनी मदद आप दे तहत 50,000 रुपया ला के पुल भी बदा। गौरमेंट ने सानू मेरा मतलब कुछ भी नहीं दिता। रक्षा रोज भज टुट नवी गड्डी ले है ना तेसरा लगी है ना तो हम मुण मिस्त्रियों बहाना पाता। तो मैं गुजारिश खास करके वज़ीर आला पंजाब जनाब बुज़दार साहब के अपील करना वह आके थोड़े इस सड़क से लग के वेख लैन जे अगर ये सही सलामत घर टुर गए या अपने दारो खिलाफा से वेला हाउस में टुर गए तो मना दे। लिहाजा उन्होंने गुजारिश है खसूसी तौर पर इस सड़क वास्ते फंड जड़े ने वो मंजूर करन, वो इशू करन। दूजी एक वजह साड़ी है इतने मंडी मोबाइल मेशन लगती है हफ्ते दिन ना साडा कोई जे तंदुरुस्त बंदा मोगा खड़ना हो तो वह उतो जन बीमार हो जाता, जे बीमार करिए तो रह ही मर जाता। लिहाजा वो मंडी का भी कोई करो तो सड़क का भी करो, आपकी मेहरबानी। स्पीकर पंजाब असेंबली के अगे ये असी गुजारिश करने हैं कि बराए मेहरबानी साढ़े हाल तो रहम करो। तकरीबन 40 देहातों के लोग यहाँ से गुजरते हैं, हमारे इस दरीना मसले का कोई सदेबाब किया जाए। कैमरा टीम के साथ फारूक असलम, शान न्यूज़ गुजरात। हर लम्हा हर खबर शान से।